मास्टरबेशन या हस्तमैथुन के बारे में काफ़ी लोगों को गलत फहमियाँ हैं, उसके बारे में मैंने पहले वीडियो डाले हुए हैं और कुछ लोगों के सवाल आया, रिकमेंडेशन आया, रिक्वेस्ट आई करके और एक वीडियो में डाल रहा हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। मास्टरबेशन मतलब हस्तमैथुन, हाथ से की हुई क्रिया, मैथुन, हाथ से किया हुआ मैथुन, इसका मतलब हस्तमैथुन। अब इसमें वैसा कोई गलत नहीं है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है और शादी के पहले सभी लोग ये कर सकते हैं और करना भी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। मगर कई किताबों में ऐसा लिखा है कि हस्तमैथुन करना बहुत खराब है, अच्छा नहीं है, उसमें वीर्य निकल जाता है, वीर्य का नाश करना अच्छा नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, वीर्य का नाश नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह लिखा हुआ है, मगर वो सब गलत है। बोलते हैं कि भाई शादी के पहले जैसा लड़का जो है वो उम्र में आता है, 12 13 14 साल के उम्र में वो उसके सेक्स कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाते हैं। सेक्स कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होने के बाद में उसको जो अंदर से जो उर्मी आती, उत्साह आता है सेक्स के बारे में, विचार आते रहते हैं, तो उसको फिर लगता है कि मैं कोई लड़की से बात करूँ, लड़के से बात करूँ, लड़की को लगता है उनके साथ में मिलूँ, फिजिकल अट्रैक्शन हो जाता है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर यह अवस्था में काफ़ी सारा अट्रैक्शन होके फिर कोई गलत कदम ले जाते हैं। वो हो सकता है कि वो वेश्या के पास में चले जाएगा, सेक्स कहीं भी कर लेगा और उसको HIV एड्स जैसे और सिफिलिस जैसे कोई नए प्रॉब्लम उसको खड़े हो जाएगी। इससे अच्छा हम हरदम ये बोलते हैं कि भाई आप बिल्कुल बेदिक्कत, बिना दिक्कत मास्टरबेशन करो। मास्टरबेशन मतलब पेनिस का जो घर्षण है वो हाथ से करना। हाथ से पेनिस का घर्षण करने के बाद में एक्साइटमेंट आता है और एक्साइटमेंट आने के बाद में वीर्य बाहर निकलता है। वीर्य निकलने के बाद में उसको अच्छा लगता है, शांत लगता है। तो ये एक दिनाड़, रोज, हफ्ते में एक बार, दो बार, जैसी भी आपकी भूख है, जैसी भी आपकी इच्छा है, वैसा आप कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। और इसमें वीर्यनाश हो गया तो कोई खराबी नहीं है। हमारे दम बोलते हैं कि भाई हस्तमैथुन में वीर्यनाश होता है, वो कहाँ जाता है? तो वो तो नाली में जाता है वीर्य। शादी के बाद में जब सेक्स करते हैं तो वीर्य कहाँ जाता है? वो भी नाली में जाता है। हस्तमैथुन से गया हुआ वीर्य नाली में जाता है और लड़की और औरत के साथ में सेक्स किया हुआ वीर्य वो भी नाली में जाता है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों सरीके तो है। नहीं नहीं मगर शादी के पहले वीर्य को रखना अंदर बहुत ज़रूरी है। तो अंदर वो रखा नहीं जाता, ऐसा कोई स्टोर हाउस नहीं है अंदर, कोई टैंक नहीं है अंदर बहुत बड़ी कि उसमें जमा करके करके रखेंगे और शादी के बाद में फिर धीरे 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 इस्तेमाल करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। यदि वो वीर्य का बाहर निकालना हुआ नहीं या मास्टरबेशन नहीं किया तो फिर क्या होता है? फिर वो रात में सपने में निकल जाएगा या पेशाब के समय निकल जाएगा। उसके लिए अलग वीडियो में बातचीत करूँगा मैं। ये वीडियो के लिए इतना ही है। सिर्फ मास्टरबेशन यदि कंपल्शन के रूप में हुआ, कंपल्शन इसका मतलब बार बार वही थॉट आ रहे, उसके सिवाय कोई काम नहीं कर सक रहा, दिन में दो दो चार चार पाँच पाँच बार बिना मजा आते हुए भी यदि वो हस्तमैथुन कर रहा है तो उसको मास्टरबेशन का कंपल्शन हो गया, मतलब वो OCD का मास्टरबेशन हो गया, तो उसका इलाज करना जरूरी होगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा और एक प्रॉब्लम होता है कि शादी के बाद में औरत घर में रहने के बावजूद भी यदि वो औरत के साथ में सेक्स करता नहीं है और मास्टरबेशन करता है, मतलब हस्तमैथुन करता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि फिर उसको भी औरत की तरफ अट्रैक्शन नहीं है, खुद के खुद अपने ऊपर अट्रैक्शन है, खुद के खुद वो मजा कर लेता है हस्तमैथुन करके, उसको उसमें आनंद आता है, और स्त्री के साथ में नहीं तो उसका भी इलाज करना जरूरी होगा। अदरवाइज हस्तमैथुन यह नॉर्मल प्रक्रिया है, उसमें कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं। उल्टा हस्तमैथुन से ऐसा होगा कि वो वेश्यागमन नहीं करेगा और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है, सिफिलिस, एड्स जैसे डिसीज जो है, वो फिर उसकी बाधाएं भी लोगों को नहीं होंगी। तो अभी के लिए इतना ही है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, स्पेशली जो एडोलेसेंट है, किशोर उम्र, मतलब किशोर अवस्था के जो लोग हैं जिनकी उम्र 14-15 साल से लेकर 25 साल तक है या जिनकी शादी होने की बाकी है, वो लोगों के लिए बहुत काम में वीडियो आएगा। जरूर इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।